Bismillahir Rahmanir Rahim respected teachers and dear students assalamu alaikum i am Vakas ahmed and today we will discuss about mathematics 3 unit number 1 it is about whole numbers and then lesson numbers 18 in this lesson we will discuss about the slo rounding of a whole numbers to the nearest tens and hundreds इस चीज को हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो प्रीवियस टू लेसन किए थे उनमें भी राउंडिंग ऑफ को देखा था बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज आपने किस तरह सॉल्व करना है बाय यूजिंग दैट मैथड जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर सिक्सटीन और सेवनटीन में स्टडी किया था अब उन, उसी मेथड को अप्लाई करते हुए आपने इस एक्सरसाइज वन जी को सॉल्व करना है ये हमारे पास क्यू आर कोड है जिस में, जिस में को आप स्कैन करेंगे तो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल होगी अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या है इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें राउंड ऑफ द गिवन होल नंबर टू द नियरेस्ट टेंस जब आप टेंस को देखते हैं राउंड ऑफ करते हुए मतलब यानी कि गिवन नंबर को नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे ए मैं को मैंने राउंड ऑफ करना है मैंने वन प्लेस वाले डिजिट को देखना है उसको देखना है अगर तो वो फाइव से ग्रेटर है तो जो प्लेस के ऊपर डिजिट है उसमें ऐड कर दूंगा सो so, ये जो सेवन इज ग्रेटर देन सो रूल क्या है रूल थ्री में वन ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा फोर सो so, हमारे पास जे वाला जो नंबर है राउंड ऑफ होकर फोर्टी बन जाएगा जो सेवन की जगह हम लोग जीरो लगा देंगे सिमिलरली आपने ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। अब आ जाए क्वेश्चन टू की तरफ क्वेश्चन टू में क्या करना है राउंड ऑफ द गिवन होल होल टू डिजिट्स भी होंगे इनको नियरेस्ट हंड्रेड राउंड ऑफ करना है hundred, hundred करने के लिए आप लोग क्या करते हैं डिजिट को देखते हैं अब यहां पर सेवनटी थ्री है सेवेंटी थ्री के टेंथ प्लेस पे डिजिट कौन सा आता है सावन सो सेवन जो है जो सेवन है वो ग्रेटर देन है फाइव से तो हम लोग क्या करेंगे अगेन फाइव से ग्रेटर है तो हंड्रेड प्लेस के ऊपर जो डिजिट होगा उसमें वन ऐड कर देंगे यहां पर तो हंड्रेड प्लेस डिजिट है ही नहीं तो यहां पर जीरो है तो हम लोग जीरो में वन ऐड करेंगे तो हमारे पास राउंड ऑफ हो के थ्री हंड्रेड बन जाएगा सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट सारे कंप्लीट कर लेने हैं अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को सबमिट करवाने हैं इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैनुअल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है अपने जो सोल्यूशन है उनको इसके साथ टैली कर लीजिएगा तो स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट है जो कि आपने घर पे कंप्लीट करना है देन उसको सबमिट करना है फाइंड एंड एस्टिमेटेड प्राइसेस ऑफ यूर स्कूल बैग एंड ऑल्सो आज प्राइस फ्रॉम यूर पेरेंट्स करना है मैंने आपको बताया था जब एक्टिविटीज आपने की थी कि आप नंबर को गैस करते हुए प्रीवियस टू लेसन में मैंने वो एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करवाई थी इसी तरह आप लोगों ने अपने बैग की प्राइस को एस्टिमेट करना है देन एग्जैक्ट जो प्राइस है पेरेंट्स से पूछनी है उसकी कितनी है फिर उसको राउट ऑफ कर दें टू नियरेस्ट हंड्रेड्स या फिर टेन ये आपने काम करना है नाउ कंपेयर इट्स ओरिजिनल प्राइस विद एस्टिमेटेड प्राइसो मेक अ टेबल ऑन अ चार्ट फॉर समीस बैग बुक यूनिफॉर्म एंड स्कूल फी ये सारी की सारी आपने एस्टिमेट करनी है और फिर आपने ओरिजिनल प्राइसेज पेरियड्स से डिस्कस करने के बाद वहां पर राइट कर देनी है आपकी एस्टिमेशन में और ओरिजिनल प्राइसेज में क्या डिफरेंस है वो आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करके अपने टीचर को आप सबमिट करवा दीजिएगा तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सोल्यूशन मैनुअल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है तो वो आप वहां से ले सकते हैं थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेसन अल्लाह हाफिज